आज हम आपको लाइंस एंड एंगल्स के रिमेनिंग प्रॉब्लम इट मींस थर्ड पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ये लास्ट एक्सरसाइज की है, इसमें कुछ काम हो सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए से हम पिक अप करें, बट सी योर कांसेप्ट इन दिस क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज सेम दिया दैट मींस गिवन हियर लाइंस PQ and RS intersect at D। ये जो लाइन आपकी RS है और PQ है एक दूसरे को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करती है एंड या आपको कहते हैं एंगल PRD 40 डिग्री एंड एंगल RPD इज इक्वल टू 95 डिग्री। वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल SQD। इट इज आल्सो गिवन दैट एंगल TSQD इक्वल टू 75। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये जैसे आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको ये एंगल फाइंड करना है बाय वर्टिकल पोजीशन दी जा रहा है इक्वल टू ईच अदर एंड आफ्टर देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ SQD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आवर ट्रायंगल। सो सी हियर एस इन ट्रायंगल PRD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आवर ट्रायंगल्स एंगल PTR एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री। ये एंगल ऑपरेट करने के हमने क्या किया, 180 में दोनों का सम अपन माइनस कर रहे हैं देन वी गेट एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135 एंड इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इफ इट इज 45 डिग्री देन बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल इट विल आल्सो बी 45 डिग्री। हेंस इन ट्रायंगल SQT सो यू आल्सो राइट हियर एज इट इज इक्वल टू एंगल SPQ एंगल SPQ बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल हैंस इन ट्रायंगल SQD वी गेट अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इट मींस द वैल्यू ऑफ एंगल SQD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री इट इज आल्सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आवर ट्रायंगल। सो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट मींस द वैल्यू ऑफ एंगल SQD इज इक्वल टू 60 डिग्री इज आंसर। Now see your next question. Question number 5. What is given here? Here given PQ and PS are perpendicular to each other and PQ parallel SR are SP. It is given an angle SQD. SQR angle SQR is equal to 28 degree. Angle SQR 28. We need to find the value of x and y. So, in solutions, as we are given, PQ parallel SR and QR is our transversal line. Then x plus 28 is equal to 65. Y alternate interior angle. As PQ parallel SR and QR is our transversal line. Transversal line. Then x plus 28 is equal to 65. Y alternate interior angles. It is y alternate interior angles. Then we get the value of x 65 minus 28 is equal to 37. And here since we get the value of x is equal to 37 degree. Then in triangle PQS by angle sum property of a triangle, the value of y is equal to 180 minus 90 plus x. And put the value of x is 37. So 180 minus 127 degree. Finally, the value of y
half of this exercise is saying here that in triangle in figure 6.44, here our figure is given in your question here, and the side QR of a triangle PQR, QR of a triangle PQR is produced at point S at bisector of angle PQR. PQR bisector, it means bisector of PQR, and angle PRS, angle PRS, these are mean at point T, and we need to prove that angle QTR is equal to half of angle QPR. As we have yet to prove, it means we need to prove the value of QTR is equal to half angle QPR. QPR ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू है इस एंगल की, इसको हमने यहाँ पर जेड कंसीडर कर दिया, ये द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, ये बाइसेक्टर है इसलिए हमने इसको एक्स एक्स कंसीडर कर दिया, और आर की आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, सो वी पुट हियर इट मींस कंसीडर हियर द वैल्यू ऑफ दीस बाइसेक्टर एंगल्स रिस्पेक्टिवली वाई एंड वाई इक्वल है, बाइसेक्टर मीनिंग हो गया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। नाउ इन प्रूफ इन ट्रायंगल QPR, पहले हमने QPR लिया, बाय एक्सटीरियर सम वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर द ऑपोजिट एंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो आप जानते हैं, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, so we write here by exterior theorem we know that the value of PRS is exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles, so it is equal to angle QPR plus angle PQR, यहाँ पर हमने जैसे लिखा PRS आपका exterior angle है और ये दो interior opposite angles हैं PQR and QPR, अब इनकी वैल्यू हमने रखा यहाँ पर PQR की वैल्यू x plus x means 2x हो गया, and the value of angle QPR as well as the right here as and PRS, the value of PRS is equal to 2y is your first equation. Similarly, इसी चार्ट का यूज करते हुए पहले हमने ट्रायंगल PQR लिया था, अब ट्रायंगल आप QPR ले सकते हैं, so we take here as in triangle QPR by exterior theorem, here exterior angle is angle PRS, angle PRS is equal to angle PQR plus angle QPR by exterior theorem, since the sum of exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles, यहाँ पर PRS की जो value हमने y लिया, फिर आपका PQR की जो वैल्यू हमने x लिया, एंड द वैल्यू ऑफ एंगल QPR एज वेल एज डिराइव किया, यहां हमने जेड सपोज कर लिया है लेकिन हमने QPR, क्योंकि QPR की हमें जरूरत है, सो नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, आप चाहे तो y का वैल्यू आप यहां डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, हमने क्या किया इक्वल करने के लिए दो का दो मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ऐसा है आप इधर y का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, या दोनों तरफ हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन द बोथ साइड्स वी गेट सेकंड इक्वेशन इट इज 2y = 2x + 2 r / QPR, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सी हियर दैट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो r इज दैट वी आल्सो बी इक्वल, इट मींस 2x + एंगल 2 QTR इज इक्वल टू 2x plus QPR, 2x will cancel to each other and finally we get divided by 2, we get the value of angle QPR equal to half of angle QPR, hence prove. Now, thanks, now you will solve next question and extra question you will also see from your professor textbook as R.D. Sharma.